देखिए दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। व्यास होता है मतलब त्रिज्या का डबल, त्रिज्या आर होती है। व्यास होता है दोस्तों 2R, 2R ये हो गया 56 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 28 सेंटीमीटर। 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? दोस्तों, अगर पहिया यहाँ से चलकर पूरा राउंड लेके फिर यहाँ तक दोबारा आएगा तब इसका एक चक्कर होगा, तो 88 किलोमीटर। तो अपन दोस्तों इसकी वर्थ की परिधि निकाल देते हैं। वर्थ की परिधि होगी दोस्तों 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 28, 7 × 28, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 1 × 8 = 16 = 17, 176 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितना कितना किलोमीटर की यात्रा करनी है? 88 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से इंटू, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से इंटू / 173। ये 2 से चला जाएगा दोस्तों, ये 5 बार 5000 चक्कर। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8000, कितने हजार रुपए लगाए? 8000 रुपये। और वाई ने कितने हजार? 10000 रुपये निवेश किए। 6 महीने के बाद जेड भी इसमें शामिल हो गया। 6 महीने के बाद जेड कितने हजार रुपये? 6000 रुपये के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष में, ये दोस्तों 36 महीना 3 वर्ष, मतलब ये भी 36 महीना 3 वर्ष, ये दोस्तों 6 महीने बाद था, मतलब ये 30 महीने तक ही पैसा लगाया अपना। 1, 2, 3, तीनों का 3 3 0 कट जाएगा दोस्तों, कभी कट जाएगा। 36 × 8, 36 × 10, 30 × 6, 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 36, 36 चला जाएगा दोस्तों। 6 × 6, 6 × 6, 6 × 5 = 30, 5, 10 और 8, 3 वर्ष बाद कितने का लाभ हुआ? 9660 का, 9660 का। अनुपात कितना है? 10 और 5, 10 और 8 18, 18 और 5 23। तेईस इंटू 4, 2392, 2392 कितना बचा? 4, 23 × 46, 420। किसका हिस्सा पूछा है दोस्तों? जेड का। जेड का हिस्सा कितना है? 5, 0, 5 × 5 × 10 का 0, 1 × 5 = 20, 1 = 21, 2100 रुपया। आगे देखें दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने में? 7 घंटे में। बी कितने में दोस्तों? 10 घंटे में। जबकि सी पाइप टैंक में खाली कर सक जबकि सी पाइप 14 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। ये बनने वाले प्लस ठीक 14 घंटे में खाली कर सकता है। इनका लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों 70, 10, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5। यदि सारी पाइप एक साथ शुरू की जाए, पहला 10 बनने वाला, दूसरा बनने वाला, तीसरा खाली करने वाला, दोस्तों कितने की स्पीड से? 10 और 7, 17 की स्पीड से भर रहे हैं और 5 की स्पीड से खाली कर रहे हैं, मतलब 12। टैंक को भरने में टैंक पूरा कितना है? 70। स्पीड कितनी है? 12। 12 × 5 = 60, 10/12, 5 सही, 5/6। आगे देखें दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, एक शहर की आबादी 5%
प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, मतलब पहले साल 100% थी, अब 105% बढ़ गई, मतलब 105% हो गई दोस्तों। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 185,220 है, तो 1 साल पहले अभी कितनी होगी दोस्तों, 185,220, अभी का प्रतिशत 105, 1 साल पहले का कितना था दोस्तों, तो यही से 20 बार दोस्तों, यही से 21 बार, ये 7 या 21, 7 दुनी 14, 7 6 42, 3, 7 चौक 28, 7 6 42, 26, 460 × 20/3, 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 अंटा 24, 2 3 8 24, 3 दूनी 6, 8,820 × 20। तो दोस्तों 2 जीरो तो दो ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 = 17, 1,76,400 थी 1 साल पहले। आगे देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, 35 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:1। पूरा कितना मिश्रण दिया है अपन को, 35, 35/4/1 कितना अनुपात हो गया, 5:5, 35 5 से 7 बार, 7 चौक 28, 7 एकम 7। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर, 7 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब 7 5 35 लीटर ये हो गया, 7 लीटर ये हो गया, तो 7 एकम 7, 7 5 35, 5:1 हो जाएगा दोस्तों। छठवा क्वेश्चन, 31 में एक पुस्तक को बेचकर एक व्यक्ति को अपने वे के 7% हानि होती है। 31 रुपए में अगर कोई वस्तु बेचता है तो उसे 7% की हानि होती है, मतलब 93% = 31, 31/93 = 100, 31 या 93, 100/3। यदि वही से 35 में बेचता है तो सौदे में लाभ, कितने में बेच रहा है दोस्तों, 35 में, वस्तु का क्रय मूल्य तो यही है ना, 100 × 3 × 3, 100/3। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 35 × 3, 3 5 15, 3 3 9 = 10, 105, 105 में 100%, तो वह जो था वो 5% का लाभ होगा। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, एक ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति हावर की औसत गति से चलती है, तो वह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितने किलोमीटर, 82 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, कितने मिनट में पूछा है दोस्तों अपन को, 24 मिनट में, ये कितना, मतलब 82 एक घंटे में, मतलब 60 मिनट में, तो 24 मिनट में, 12 × 24, 12 × 5 = 60, 82 × 2 164/5, 5 3 15, 5 2 10, 5 8 40, 32.8 किलोमीटर 24 मिनट में। आगे देखिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन, एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को 8 दिन में, बी कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कितने हजार रुपए, 6,760 रुपये दोनों को मिलता है। इसका लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों 40, 5 अंटे 40, 8 5 40, 5 8 और 5, 6,760 में 8 और 5 13, 13 का भाग देंगे दोस्तों, 13 5 65, 2, 13 दुना
20, 520, किसका पूछा है अपन को दोस्तों, 21 सा, 21 सा 8, 0, 8 दुनी 16, 8 पंजे 40, 4060 रुपये। आगे देखिए दोस्तों नवा क्वेश्चन, कितने समय में 1800 प्रति वर्ष 5% की दर से साधारण ब्याज दर से 390 का साधारण 390 का साधारण ब्याज निकलेगा। मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कि 5% की दर से 390 का साधारण ब्याज कितने समय में निकलेगा। तो दोस्तों 1800 का 5% निकालना है वैल्यू, 1800 बटा 100 इंटू 5, 20 से 20, 4 पंजे 90। अब ये 390 की दर से 390 का साधारण ब्याज, 9 चौक 390 बटा 90, 0 से 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बटा 3 बटा 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 मतलब 4 वर्ष और 1/3 मतलब 12 महीने का, 12 महीने का 1/3, 4 वर्ष 4 माह में। आगे देखिए दोस्तों दसवां क्वेश्चन, किसी दिन के कितने दिन 7 मिनट और 12 सेकंड होंगे। तो दोस्तों 7 मिनट, 7 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे दोस्तों, 0, 7 6 42, 420 प्लस 12 सेकंड, 432, और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी, 60 सेकंड, 36। अब ये 432 बटा 24 इंटू 36 ये हो जाएगा दोस्तों, ऐसे 24 को 36 से इंटू करना है दोस्तों, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 13 14, 74, 4 6 864, 432 बटा 864 इंटू 100, 832 एक बार, ये 2 बार चला जाएगा दोस्तों, 1/200 ये भी 9 होगा। आगे देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 90, दो संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी का योग कितना है 90, यदि उनमें से एक अन्य से 16 अधिक है, मतलब अंतर ए माइनस बी बराबर कितना 16, तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो ए और बी, ए ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे दोस्तों, 90 प्लस 16 कितना आएगा दोस्तों, 53। बी, ये ए ज्ञात करने का तरीका, बी ज्ञात करने का तरीका दोस्तों इसको जोड़ के, और बी ज्ञात करने का तरीका इसमें से इसको घटा के दोस्तों, 90 में से 16 जाएगा 70, 70 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 37 आ जाएगा ए और बी। आगे देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, कोई भी मान लेते हैं एक्स और वाई, इनका अनुपात 5:6 है, इनका लघुत्तम समापवर्ती 150, इसमें 6 का भाग देंगे दोस्तों 30, इसमें 5 का भाग देंगे दोस्तों, 6 का भाग देंगे दोस्तों 25, 6 का भाग इसमें दोस्तों, 6 का भाग देंगे दोस्तों 25, इसमें दोस्तों 5 का भाग देंगे 30। तो दोनों संख्याओं का योगफल, संख्या यही है तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन, कोष्टक -45 प्लस 7 इंटू 13
23 माइनस 247 भाग 13, कोष्टक बंद, माइनस 11, कोष्टक बंद भाग 2। तो दोस्तों पहले अंदर 13 एकम 13, 13 नाम है 107, माइनस 11 माइनस 23 इंटू 7, 7 या 21, 2, 7 दुनी 14, 15 16 प्लस 45 माइनस का आ जाएगा दोस्तों। माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं, माइनस का 45, माइनस का 19, माइनस का 11, और 1 10 5 15, 1 चार पांच छह सात, माइनस का 75, प्लस का कितना है 161, 161 में से 75 चला जाएगा दोस्तों। 11 11 में से 5 गया 6, इधर कितना 15 15 में से 7 गया 8, 86 भाग 2 43। आगे देखिए चौदहवा क्वेश्चन, 63 और 140 का लघुतम समापवर्त्य का मान क्या है? 63 और 140 का एलसीएम 7 से जा रहा है दोस्तों, 7 9 63, 7 दुनी 14, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 2 20, मतलब 9 संते 63 इंटू 20, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, का एलसीएम आ जाएगा 1260, 1260 दोस्तों एलसीएम, और एचसीएफ आएगा दोस्तों जो संख्या कॉमन होती है, कॉमन है 7। आगे देखिए 15 क्वेश्चन, 8 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज 332 प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज 372 कितने वर्ष का? 8 वर्ष का प्राप्त हो रहा है, 8 का भाग देने के दोस्तों 8 चौक 32, 32 दोस्तों 8 चौक 32 5, 5 मतलब 52, 8 छिगु 48 पॉइंट 5, 4/8 हो गया मतलब 0.5, ये हो गया एक साल का ब्याज 46.5। कितने है मूलधन? 775 इंटू 100, ये पॉइंट अट जाएगा तो नीचे जीरो लग जाएगा दोस्तों, जीरो से जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25, 25, 5, 5 9 45, 5 3 15, 5 दुनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 93/31 इंटू 2, ये चल जाए चले जाएगा दोस्तों 3 बार, 3 दुनी 6% साधारण ब्याज है दोस्तों। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल करें, 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5 इंटू 6 कोष्टक 1 × 1/6, 6 एकम 6 7/6। अब दोस्तों ये 12 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 6 इंटू 6, 6 से 6 चला जाएगा दोस्तों, 7 × 5 = 35, माइनस का 35, ये इसको हल करेंगे दोस्तों तो लघुत्तम 9, 11/33 माइनस 1, 32/9, 32/9, इधर एक आ जाएगा लघुतम ले लेंगे दोस्तों इसका 9, ये
बत्तीस माइनस 9 बार 315। 315 में से दोस्तों 32 चला जाएगा। तीन अट्ठाईस 283/9, 283/9, 29/27, 29/27, 9×1=9, 29/27, 9×1=9 कितना बचा दोस्तों? 4/9। 31 सही, 4/9। आगे देखिए दोस्तों, 17 क्वेश्चन। 750 लागत मूल्य के एक मेज को 4% हानि पर बेचा गया। मेज का विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों? विक्रय मूल्य था दोस्तों 750। हानि कितनी? 4% की हानि हुई। 750/100%, अपन को कितना निकालना है इसका? 96%। 0 से 0 चला जाएगा दोस्तों। 5 दूनी 10, ये 15, ये चला जाएगा दोस्तों 48 बार। 48 × 15, 8×5=0, 4, 5×20 = 4, 24, 48 का 48, 0, 8, 4, 12, 1, 4, 2, 6, 7, 720 रुपए में बेचेगा दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोलाकार अंगूठी के आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेमी और 44 सेमी है। आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि, आंतरिक परिधि कितनी है दोस्तों? परिधि वर्त की परिधि होती है दोस्तों 2πr, ये कितनी दे रखी है? 22। 2×22/7×r बराबर कितना? 22। 22 से 22 चला जाएगा। आर का मान हो गया दोस्तों 7.7/2। ये तो हो गया आंतरिक, मतलब 3.5, मतलब 3.5। और बाहरी का हो जाएगा दोस्तों 44। 2×π r बराबर 44। 2×22/7×r बराबर 44, तो ये 44 44 चला जाएगा। r बराबर 7, बाहरी का कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। तो इसकी मोटाई हो जाएगी दोस्तों 7 - 3.5, 3.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, आयत ऐसा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपन को कितना दे रखा है? 16.02 की लंबाई कितनी दे रखी है? 4.5। इसकी चौड़ाई अपन को पूछा है 16.02/4.5, ये पॉइंट हट जाएगा दोस्तों, 0 लग जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट हट जाएगा, 2 0 लग जाएगा दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। 1602/450, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 0 0 पॉइंट, 5×20, 320.4/90, ये पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा, 32.04/9, 9×3=27, 5, 9×5=45, 9×6=54, 3.56 इसकी चौड़ाई हो जाएगी दे दोस्तों। 20वां क्वेश्चन, एक थैले में ए लाल बी पीला सी हरा टोकन है। ए बी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? ए बी बराबर अपन को दे रखा है 5:15, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी कितना दे रखा है दोस्तों? 9:13।
इनका ले एलसीएम ले लेंगे, 15 तीस 45, 9 पंजे 45, 15 तीस 45, इसको इससे इंटू 15, तो 13 पंजे 65, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा दोस्त, इसका अनुपात आ जाएगा 15:45:65। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।